हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम खान और आप देख रहे हैं मजेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में। अब चलिए, आपको तो पता ही है कि सेकेंडरी फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। ओके सी, सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? सी, सबसे पहला आता है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। इसका मतलब क्या? सी, कमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक्स, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शन, रेंट्स एंड अदर पीरियोडिक रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, है ना। कमर्शियल बैंक क्या करती है? कस्टमर के बिहाफ पे चेक, बिल, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शन, रेंट, ये सारी चीज़ें भी कलेक्ट करती है। आई पास समझ में। इट ऑल्सो मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एसेट्रा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट। और क्लाइंट्स के कहने पे जो है बैंक क्या करती है? पेमेंट भी करती है टैक्स का, इंश्योरेंस का, प्रीमियम का। आई पास समझ में, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? सी देखो, कमर्शियल बैंक्स बाय एंड सेल सिक्योरिटी सच एज शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, एसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, है ना। कमर्शियल बैंक क्या करती है? सेल या फिर बाय करती है सिक्योरिटी, जैसे कि शेयर्स को, बॉन्ड या फिर डिबेंचर को, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। आई बात समझ में। जैसे कि हम, आपको तो पता है चिल्ड्रन कि आप ऑनलाइन जा सकते हो, ठीक है, ऐप वगैरह पे जा सकते हो, फिर वहाँ से आप शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो, राइट। तो ये बैंक आपके लिए करके देती है ऐसा, ठीक है। तो चिल्ड्रेन से दिस हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये जो हम सिक्योरिटीज यानी कि शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, इन सबको जो हैंडलिंग है, इन सबको जो संभालते हैं हम, ठीक है, इसका मैनेजमेंट जो है, इसे ही हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई बात समझ में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ फंड। अब आपको तो पता है बैंक आपके लिए मदद करती है कि आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं फंड, राइट। सी, बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिकल एंड इजी रिमिटेंस ऑफ फंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, एक्सेट्रा, है ना। आई बात समझ में। बैंक क्या करती है? आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप क्या कर सकते हो? फंड ट्रांसफर कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भी कर सकते हो, मेल ट्रांसफर के रूप में भी कर सकते हो, NEFT के रूप में भी कर सकते हो, राइट। कमर्शियल बैंक कम विथ वेरियस इनिशिएटिव टू मेक दिस ट्रांसफर हेजल फ्री। और कमर्शियल बैंक का हमेशा एक योगदान रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रांसफर जो है, ये फंड ट्रांसफर जो, इसको ईजी बना के रखे। अरे बस समझ में, क्लियर हो गया। उसके बाद डीमटेरियलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? सी, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी यानी कि शेयर इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन। आई बात समझ में। जो ये सिक्योरिटी है, शेयर है, इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम रखते हैं तो इसे हम कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। ओके, तो चिल्ड्रन SP में चैप्टर नंबर 9 में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद, बैंक प्रोवाइड डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटी टू द क्लाइंट टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। बैंक क्या करती है? अपने क्लाइंट्स को ये डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है ताकि वो भी क्या कर सके, सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सके। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स इट अंडरटेक द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ परचेज ऑफ सेल, है ना। और क्लाइंट के बिहाफ में ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर को अंडरटेक भी करती है, वो परचेज भी करती है और सेल भी करती है। आई बात समझ में, ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, का मतलब क्या होता है? सी, फॉरेक्स इज एन एब्रीविएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सम कमर्शियल बैंक आर ऑथोराइज बाय द सेंट्रल बैंक टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स का मतलब होता है चिल्ड्रन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। कुछ कमर्शियल बैंक को ऑथोराइज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा कि वो फॉरेन एक्सचेंज में भी डील कर सकती है। आई बात समझ में। दे बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड हेल्प इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। और वो क्या करती हैं? वो फॉरेन एक्सचेंज को बाय या सेल करती है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। इससे क्या होता है? इससे इंटरनेशनल ट्रेड भी प्रमोट होता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यूटिलिटी फंक्शन। सबसे पहला क्या आता है? लॉकर फैसिलिटी। आपको पता है बैंक तो लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, राइट। सी, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी वॉलेट्स और लॉकर टू कीप वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ कस्टमर इन एन सेफ कस्टडी, फॉर इंस्टेंस डॉक्यूमेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट, एसेट्रा, है ना। कमर्शियल बैंक क्या करती है? लॉकर फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड करती है ताकि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं लॉकर्स में, राइट। दिस लॉकर्स आर अवेलेबल इन हाफ ईयरली और एन एनुअल रेंटल बेसिस। और ये जो लॉकर है ये हाफ ईयरली या फिर एनुअल रेंटल बेसिस पे भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक। अब आपको तो पता है बैंक हमें डिमांड ड्राफ्ट और चेक भी इशू करके देती है, राइट। से, अ ड्राफ्ट और चेक इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और अदर बैंक, है ना। ड्राफ्ट से या चेक से क्या कर सकते हो? आप सेम ही बैंक के ब्रांच में भी जाके पे कर सकते हो,
ठीक है, निकलवा सकते हो पैसा राइट, या फिर दूसरे किसी में ब्रांच में भी जाके करवा सकते हो राइट। अब बैंक इशू ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर वेर एज चेक कर इशू ओनली टू द अकाउंट होल्डर। अब जो ये ड्राफ्ट है यानी कि डिमांड ड्राफ्ट है उसे अकाउंट होल्डर को भी देती है, इशू कर सकती है, नॉन अकाउंट होल्डर को भी आप वो इशू कर सकती है बैंक राइट। लेकिन जो चेक है वो सिर्फ अकाउंट होल्डर मतलब जिसका अकाउंट होगा उसको इशू करती है। आई बात समझ में क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अंडरराइटिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है। सी अ कमर्शियल बैंक में अंडरराइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशू बाय कंपनीज, है ना। अब अंडरराइटिंग या अंडरराइटर के बारे में एसपीएम मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या करती है, अंडरराइटर की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है, कोई कंपनी के जो सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स वगैरह भी खरीदती है। आई बात समझ में। इफ द शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब द अंडरराइटिंग बैंक एग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। अगर किसी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो ये क्या करेगी, अंडरराइटिंग बैंक क्या करेगी, वो शेयर्स को भी सब्सक्राइब करके रखती है, ठीक है। तो ये भी रोल प्ले करती है। आई बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट चेक, इसका मतलब क्या होता है। सी द बैंक प्रोवाइड गिफ्ट चेक टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज टू नॉन अकाउंट, ठीक है। जिसका अकाउंट है या जिसका अकाउंट नहीं है दोनों को भी क्या करती है, बैंक गिफ्ट चेक प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या होता है। सी द गिफ्ट चेक कैन बी यूज बाय द कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेशन लाइक वेडिंग, बर्थडे, फेस्टिवल एक्सेट्रा, है ना। तो बर्थडे में या फिर वेडिंग में या कुछ भी ऐसा चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, किसी को ये गिफ्ट, ये चेक को हम गिफ्ट भी कर सकते हैं राइट। तो फिर बाद में उसको जो है मनी विड्रॉ करके मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो बैंक ये भी रोल प्ले करती है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, इसका मतलब क्या। सी द बैंक आल्सो अंडरटेक टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक क्या करती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करती है, उसको स्टडी भी करती है बिहाफ ऑफ कस्टमर राइट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इनेबल द बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड फ्रॉम द मार्केट एंड टू ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब प्रोजेक्ट जो है वो क्या, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स क्या करती है, ये फर्म को हेल्प करती है ताकि वो मार्केट से फंड भी उठा सके और गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्लियरेंस भी ले सके। अरे बात समझ में क्लियर। उसके बाद गोल्ड रिलेटेड सर्विस, है ना, ये गोल्ड से रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि देखो कमर्शियल बैंक आर बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट फ्रॉम कस्टमर ऑन लास्ट के, है ना, बाई भी करती है सेल भी करती है गोल्ड ऑर्नामेंट लास्ट स्केल पे कस्टमर के साथ राइट। सम बैंक ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइसरी सर्विस टू इट्स कस्टमर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फंड, गोल्ड ETF एसेक्टा। और कुछ बैंक क्या करती है, एडवाइस भी देती है, ठीक है, कस्टमर को गोल्ड फंड या गोल्ड ETF से रिलेटेड भी। अरे बात समझ में। तो चिल्ड्रन आप मुझे ETF का मतलब कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कि किसको इसका मतलब पता और कौन राइट है राइट। चलिए उसके बाद हम रिवीजन देख लेते हैं चिल्ड्रन। से रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने, हमने पढ़ा सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में। सबसे पहले क्या देखा, एजेंसी फंक्शन, इसमें क्या आता है, पीरियडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, है ना। बैंक क्या करती है, पीरियडिक कलेक्शन करती है, जैसे बिल का, इंटरेस्ट का, उसको पेमेंट भी कर सकती है। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सारी सिक्योरिटी शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड को मैनेज भी करती है, दैट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फंड एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकती है। डीमटेरियलाइजेशन, यहाँ पे शेयर्स को या बॉन्ड को किसको भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है तो बैंक उसकी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। और फॉरेन एक्सचेंज से भी डील करती है यानी कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है, ओके। उसके बाद हमने देखा यूटिलिटी फंक्शन, सबसे पहले क्या देखा, लॉकर फैसिलिटी, यानी कि ये लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कुछ रेंटल बेसिस होते हैं, हाफ ईयरली भी या एनुअली भी, ठीक है। उसके बाद इशूज ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, ये इशू भी करती है, ये इशू करती है ड्राफ्ट को, चेक को। ड्राफ्ट किसको इशू करेगी, अकाउंट होल्डर, नॉन अकाउंट होल्डर, लेकिन चेक सिर्फ अकाउंट होल्डर को इशू करती है। उसके बाद अंडरराइटिंग सर्विस, ये एक तरह की अंडरराइटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिसका शेयर सब्सक्राइब नहीं हो कोई कंपनी का तो उसे भी ये टेक ओवर कर लेती है। उसके बाद गिफ्ट चेक, है ना, ये गिफ्ट चेक भी प्रोवाइड करती है, हम किसी को ओकेशन पे भी दे सकते हैं, वेडिंग, फेस्टिवल एंड ऑल राइट। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना, ये किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के दे सकती है ताकि कंपनी को क्या मिल सके, मार्केट से फंड वगैरह भी मिल सके, है ना। उसके बाद गोल्ड रिलेटेड सर्विस, ये कस्टमर को एडवाइस भी करती है, कस्टमर से बाय और सेल भी करती है गोल्ड, है ना। आई बात समझ में। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज कल क्या समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज कल समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।